हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूडी हेवन। आज हम बनाएंगे चिली चिकन कढ़ाई। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी और स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। इसके लिए हमने 400 ग्राम चिकन लिया हुआ है और इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है विद ग्रीन चिली। 1 इंच का टुकड़ा होगा अदरक का, 8-10 क्लोव्स होंगे उसके, मैं गार्लिक के, लहसुन के, एंड 6 से 7 अदद जो है आप ग्रीन चिली ले सकते हैं इसमें। और यहाँ पे ड्राई मसाले हैं जिसमें ये 1 स्पून रेड चिली, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। ये यहाँ पर चाट मसाला है, ये 1/4 स्पून लिया हुआ है, 1/4 स्पून टर्मरिक पाउडर है, हल्दी पाउडर एंड ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। यहाँ पे हमने करीब 3 अदद जो है प्याज ली हैं, इनको बारीक चॉप्ड कर लिया है, एंड इसी तरह 3 अदद ही हमारे पास जो है कैप्सिकम यानी शिमला मिर्चें थी जिनको हमने चॉप्ड कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास 3 अदद मीडियम साइज़ के छोटे वाले टमाटर थे, इनको हमने चॉप्ड कर लिया, और ये 1/2 लेमन है, नींबू है। और यहाँ पे हमने चाट मसाला और कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है ड्राई, और जिसको हमने एक पेस्ट फॉर्म में बना लिया है जिससे हम ये चिकन को बाद में थोड़ा फ्राई करेंगे, उसके बाद मसालों में ऐड करेंगे। यहाँ पे चिकन को हमने 1 स्पून वही कॉर्नफ्लोर एंड 1 स्पून मैदा सबका एक घोल बनाकर उसमें थोड़ा चाट पाउडर डालकर, चाट मसाला पाउडर डालकर चिकन को अच्छे से कोट करके और फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। जब ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएगा, एटलीस्ट इसको फ्राई होने में 6-7 मिनट लगेंगे, और इसको तेज़ आंच पे आपको फ्राई करना है। चिकन हमारा फ्राई हो गया है। चिकन फ्राई होने के बाद ही देखें आप कितना अच्छा दिख रहा है। अब जब ये बन जाएगा तो फिर सोचिए कितना टेस्टी बनेगा। अब हम बाकी सब्जियों को पकाने का प्रोसेस करेंगे। ऑयल गर्म हो गया, उसमें हमने प्याज डाल दी है। प्याज को थोड़ा सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। प्याज हमारी सॉटे हो चुकी है, शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च के साथ भी हम इसको भून लेंगे। फ्लेम हमें हाई रखना है। दो मिनट इसे कुक करेंगे। देन आफ्टर 2 मिनट हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। थोड़ी देर पकने देंगे, फिर हम इसमें ड्राई रोस्ट मसाले ऐड करेंगे। पकते हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर डाल देंगे, 1/4 स्पून टर्मरिक डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे, जीरा पाउडर और गरम मसाला डाल देंगे, और सॉल्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। सभी ड्राई रोस्ट मसालों के साथ आप इसको भून लें। मसाले भून गए हैं,
और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चिकन चिली कढ़ाई रेडी हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी जूसी और टेंडर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। और इसको हमने धनिया पत्ती को जो है चॉप करके उसको सर्व किया है। इसको आप इसमें जो है लेमन भी यूज़ कर सकते हैं सर्विंग के टाइम पर, और इसे बनाइए ज़रूर और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा।